कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले शुकदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोत्सकर्मणि। सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक यूं तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया गया था, लेकिन आज भी यह हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया और एक नई दिशा देता है। अर्जुन को यह महान दर्शन कुरुक्षेत्र के रण में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप ने दिया था। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से एकमात्र कृष्ण ही हैं जो 16 कलाओं से युक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन काल अद्भुत और दैवीय लीलाओं से संपन्न रहा है। द्वापर काल के समय मथुरा नगर में कंस नामक एक क्रूर राजा राज किया करता था। उसके अत्याचारों से संपूर्ण मानव जाति बेहद दुखी थी। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की मृत्यु उसी की छोटी बहन देवकी की 8वीं संतान द्वारा होगी। अपनी मृत्यु के भय से उसने अपनी प्रिय बहन और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि होनी और मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। आखिरकार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में अवतार लिया। और इसी दिन को हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया ही जाता है, लेकिन कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन और भी भव्य तरीके से किया जा रहा है। जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट संख्या 1 से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भारत की अलग अलग जगहों से आए कलाकारों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। और यह यात्रा नाचते गाते जन्म स्थान की परिक्रमा पूरी करती है। शाम के समय गौड़ीय मठ के द्वारा एक और यात्रा निकाली जाती है। इसमें अपने आराध्य के आने की खुशी में भक्तों द्वारा जगह जगह आकर्षक रंगोली तैयार की जाती है।
दर्शन करने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। शहर में जगह जगह छोटे बड़े मंच लगाए जाते हैं, जहां ब्रज की सांस्कृतिक छटा को बिखेरते ब्रज लोकगीत, लोक नृत्य, भजन, रासलीला, संकीर्तन जैसी अनेक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। जिसे देखकर मथुरा में पधारे श्रद्धालु आनंदित हो उठते हैं। अगले दिन जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान में आने लगते हैं। मंदिर प्रांगण में बने लीला मंच पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जो देर रात तक चलती रहती हैं। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मंदिर में दर्शन कर पूजन व आरती की। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है और अभिषेक का समय नजदीक आने लगता है, मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब बढ़ता जाता है। चारों ओर राधे कृष्ण के जयकारे लगने लगते हैं। और फिर समय आता है जिसका सभी भक्तजन बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। आज से कई हजार वर्ष पूर्व जिस कारागार में माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ठीक उसी गर्भगृह में रात्रि 12 बजे विशेष आरती की जाती है।
और इसी के साथ भागवत भवन में ठाकुर जी के विक्रह का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। जिसकी बस एक झलक पाकर सभी भक्त अपना सब कुछ भूलकर खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस समय भागवत भवन घंटे, घड़ियाल, डमरू, झांझ आदि की ध्वनि से गुंजायमान हो जाता है। कहा जाता है दुष्ट कंस से कृष्ण को बचाने के लिए उनके जन्म के पश्चात वासुदेव उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल नंद बाबा के घर ले गए थे। इसी कारण श्री कृष्ण जन्मोत्सव गोकुल के उत्सव के बिना अधूरा रहता है। जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी को गोकुल में स्थित नंद भवन में कृष्ण जन्मोत्सव यानी नंदोत्सव मनाया जाता है। इस बीच नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे चारों ओर गूंजने लगते हैं। इसके बाद दही और केसर से बना कान्हा की छीछी प्रसाद भक्तों के बीच नंद चौक पर लुटाया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के खेल खिलौने और खाने की वस्तुएं भक्तों के बीच लुटाई जाती हैं। इसी के साथ पूरा होता है ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।